हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है माधव और आप लोग देख रहे हो बंगाली इलेक्ट्रिकल्स यूट्यूब चैनल। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉर्च लाइट रिपेयर करेंगे, कैसे करते हैं देखते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। इंट्रो ख़त्म हो गया है और मेरे पास ये टॉर्च लाइट पड़ा है। मैं इससे पहले एक वीडियो बना था टॉर्च लाइट के, उसमें भी हमने टॉर्च लाइट रिपेयर किया था इस टाइप का, बट ये थोड़ा अलग टॉपिक का है। ये टॉपिक ये है, मैंने इसको स्विच को और चार्जिंग पिन को निकाल के फेंक दिया था और नया चार्जिंग पिन और स्विच दिया है। बट जो प्रॉब्लम है मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, इसलिए मैं आपको साथ शेयर करा। देख सकते हो टॉर्च की इमरजेंसी लाइट तो ग्लो रही है, बट ऊपर का जो टॉर्च लाइट वो ग्लो नहीं रहा। बट मैंने स्विच नया दिया है और बट मैंने जब इसको आउटपुट की पिन के साथ एलईडी के साथ शॉर्ट कर रहा हूँ तब एलईडी ग्लो कर रही है, अब बहुत अच्छे से ब्लिंक भी नहीं कर रहा। और अब इमरजेंसी लाइट का भी वही प्रॉब्लम है, वो ब्लिंक कर रहा है धीरे धीरे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देख सकते हो। देखिए इसमें आपको थोड़ा, देखिए अब थोड़ा बहुत ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। जब मैं स्विच को थोड़ा भी हिलाता हूँ तो ब्लिंक करना बंद हो जाती है, और ब्लिंक करना भी, और कभी कभी ब्लिंक हो भी जाता है। तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। मैंने स्विच भी दिया है नया, सब कुछ नया दिया है। चलो तो फिर मिलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। मैंने इसको क्या करने की सोचा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप कनेक्शन देख लीजिए, जहाँ पर स्विच का आउटपुट है ये एलईडी का पॉजिटिव है, और ये स्विच का जो कनेक्शन है वो आउटपुट है। स्विच हमारे इसमें स्विच जो है वो पॉजिटिव में है, और इमरजेंसी लाइट की भी हम पॉजिटिव देख लेंगे। और आउटपुट जा पर है, देख सकते हो। अब देखोगे मेरे पास ये DSLR नहीं है, फ़ोन है। मैं DSLR तो देखा था कुछ जूम करके। जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव में है स्विच का कनेक्शन, और नेगेटिव का जो कनेक्शन है वो एक कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी वायर लेंगे छोटी सी, और ये जुगाड़, ये पूरा का पूरा जुगाड़ है भाई। आप इसमें इसका रेट आती है नया वाला, वो 30 रुपीज़ का है, और हम वो 30 रुपीज़ भर जाएंगे आपके। मैंने इसकी स्विच भी नया दिया है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा स्विच में प्रॉब्लम है, स्विच का कनेक्शन में प्रॉब्लम है, स्विच में नहीं। तो हम स्विच को ही शॉर्ट कर देते हैं, स्विच को नहीं, स्विच का कनेक्शन, जहाँ पर आउटपुट हो रही है। इनपुट बहुत अच्छी से हो रही है बट आउटपुट अच्छी नहीं मिल रही है। हम LED की जो पॉजिटिव है आउटपुट है, उसके साथ स्विच की जो आउटपुट है उसको हम एक कर देंगे, यानी शॉर्ट कर देंगे। मैं कर रहा हूँ, आप देखिए, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना भाई, क्योंकि मैं आपको बता के समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास ऐसी हो है अगर, तो आप ये समझ सकते हो। और मैंने इसको शोल्डिंग कर देता हूँ। अब देखिए भाई, स्विच में ना ही LED की पहले ग्लो रही थी, और अब देखिए ग्लो भी हो रहा है, अब ब्लिंक भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा PCB बोर्ड था वो, उसमें प्रॉब्लम थी। जो लगता है मैं जब इसको निकाल रहा था स्विच को हीट दे के सोल्डिंग आयरन का, और उससे लगता है कनेक्शन टूट गया है, इसलिए वो ब्लिंक कर रहा है। और ऐसे ही सेम हम कर देंगे इमरजेंसी की भी। हम जहाँ पर स्विच की आउटपुट है उस दूसरे पिन पे हम सोल्डिंग करेंगे। देख सकते हो ये वाला पिन आउटपुट है, इसमें हम सोल्डिंग करेंगे। मैं कर देता हूँ सोल्डिंग। हम इसमें एक सोल्डिंग करेंगे, और दूसरा पॉइंट पर हम इमरजेंसी की जो पॉजिटिव है उसमें हम सोल्डिंग कर देंगे, क्योंकि स्विच का जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव में है फिलहाल इसमें। अगर आपके पास आपके जो बोर्ड है उसमें नेगेटिव है तो आप नेगेटिव में कीजिए, यह ज़्यादातर पॉजिटिव में ही होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर आना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और मैं इसको पॉजिटिव में सोल्डिंग कर देता हूँ। इसमें चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चार्जिंग बहुत अच्छी से हो रही है। अगर ये चार्जिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको चार्जिंग पिन को पूरा डायरेक्ट बैटरी के साथ कर सकते हो, डायरेक्ट कर दीजिए। जहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव है आप पिन के पॉजिटिव दे दीजिए, और नेगेटिव को दे दीजिए। अब देखिए ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है, और स्विच का जो है वो भी बहुत अच्छी है, ब्राइटनेस कोई गड़बड़ नहीं कर रही है। देख सकते हो पूरा का पूरा जुगाड़ है, मैंने आपको आपका 30 रुपये बचा दिया। ओके, देख सकते हो कनेक्शन बहुत ईजी है, बस वायर लेके कर दो। अब हम इसको पैकिंग करेंगे, थर्क सारे कर लेता हूँ और इसको हम पैकिंग कर देते हैं। देख सकते हो मैंने इसको पैकिंग कर लिया, और जो स्विच है उसका जो होल है वो थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए मैं इसका कवर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि लगाऊंगा तो बाहर निकल जाएगी।
इसका कोई लगाने का मतलब ही नहीं है। तो आप देख सकते हो ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, इमरजेंसी की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई फेक नहीं है भाई, पूरा का पूरा रियल वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, देख सकते हो। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे पुराने वीडियो देखते रहिए।